जालंधर में आए दिन नशे तस्करों के मामले में विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो रही है। आज फिर जालंधर पुलिस ने एक नाइजीरिया के नागरिक और उसके साथी सहित 58 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। जालंधर के थाना सदर में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान ADCP सुटर विजी ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले सोनीपत के रहने वाले और लवली दीपक अतील को 3 ग्राम हीरोइन सहित गिरफ्तार किया था, जिससे आगे पूछताछ में पता चला कि उसके 2 साथी जिनमें एक नाइजीरियन भी है जो आज जालंधर नशे की खेप देने आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने हवेली के पास नाका लगाया और नाके के दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे एक नाइजीरियन युवक सहित एक युवक को काबू किया। तलाशी लेने पर नाइजीरियन युवक जिसका नाम बटन नामन है के पास से 53 ग्राम हीरोइन और दूसरे युवक पंकज के पास से 5 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि पंकज और दीपक दोनों आपस में भाई है और लवली यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। सोनीपत के रहने वाले ये दोनों भाई यहाँ नशे की सप्लाई करते हैं और ये नशा वे लोग दिल्ली के रहने वाले एक नाइजीरियन युवक से लाते हैं जो कपड़े की आड़ में ये काम करता है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जालंधर। इसी मामले में हमारा सदर थाना का परागपुर चौकी इंचार्ज ने एक नाका लगाया था फराला टी पॉइंट महेडू रोड पे। वहाँ पे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति का नाम वो दीपक अतिल सोनीपत रहने वाला है, उनसे तलाशी लेने से हमें 3 ग्राम हेराइन बरामद हुआ उनसे। फिर हम उसी के अनुसार हमने एक FIR दर्ज किया, FIR नंबर 93 24 अप्रैल को। उसे पूछताछ करने के दौरान हमें ये पता चला कि उसका भाई है पंकज, लवली में पहले पढ़ता था, उन्होंने एक नाइजीरियन से लगातार ये हेराइन लेके आ रहा। वो फिर हम उसी उनके उनसे ही हम इंफॉर्मेशन लेके उनका रूट वगैरह हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ सदर का इंस्पेक्टर है वीर सिंह, उनसे हमने एक नाका लगाए थे हमने कोटकला टी पॉइंट में। वहाँ पे ये हवेली डाबा GT रोड साइड से ये जो हमारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो शक्की बंदे 2 मोटरसाइकिल में आए थे उनमें से हमने चेकिंग दौरान हमें एक बंदा है नाइजीरियन है उनका नाम बटर नमाम, उनसे 53 ग्राम हेराइन मिला। और दूसरा बंदा है पंकज जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उनसे हमें 5 ग्राम हेराइन मिला। ये जो पंकज ये सोनीपत रहने वाला ये और ये दीपक भाई है दोनों। फिर हम अभी FIR इसके ऊपर हमने अभी FIR रजिस्टर किया हुआ है, FIR नंबर 97 डेटेड 27 अप्रैल अंडर NDPS एक्ट। एंड ये जो नाइजीरियन है इसका वो कोई ID प्रूफ वगैरह कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने फॉरिनर्स एक्ट के अंडर भी FIR रजिस्टर किया हुआ। अभी आगे से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी। इस केस में कितने बंदे पकड़े गए? अभी 3 बंदे, जैसे पहले दीपक पकड़ा हुआ उनके ऊपर FIR है, उसी के पूछताछ के दौरान अभी ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिला है, अभी 2 बंदे हमने अरेस्ट किया है। जैसे चेन से चेन रोटी चेन अभी ये जो नेटवर्क है वो ब्रेक करना यही है पहला हमारा एम है, अभी हमने दूसरा चेन में आगे से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये पता चला है नाइजीरियन हीरोइन जो है कहां से ले रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी उसके बाद हमें पता चलेगा। नाइजीरियन करता क्या है? उसका वैसे कपड़े का काम करने का बता रहा कि उनादा वो फिर वो दिल्ली का रहने वाले वैसे ये माल सप्लाई करने के लिए यहाँ आ रहा इनादा जाने आना फिर आगे से फिर करूँगे।